हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। इन आवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एंड एट द एंड ऑफ आवर प्रीवियस सेशन आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट आर रजिस्टर्स एंड व्हाट आर काउंटर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट रजिस्टर्स। So obviously the term register is important to all of you. In GATE, they have not asked a lot of in-depth question regarding registers. Even in UGC NET and each of these examinations that you are preparing, for any of these examinations, they have not asked a lot of in-depth questions regarding registers. So the kind of questions they have asked from registers, we are going to discuss them later on whenever, after the subject, I'm going to solve some previous year questions regarding both digital logic and all the other topics also. And in this session, let us start our discussion regarding your registers. So you just should only know the basic introduction about registers, ki registers hote kya hai and what are the locations where we use registers. And then we will discuss about counters. So sabse pehle registers ki hum log definitions dekhte hain. What is the definition of a register? A group of flip-flops connected together forms a register. अगर हम कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट कर देते हैं एक साथ, इफ वी कनेक्ट अ फ्यू फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर, तो उन फ्लिप फ्लॉप्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्स, सच दैट इन अ वे दैट इट कैन हैपन दैट आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप कैन गो एज अ इनपुट टू द अदर फ्लिप फ्लॉप, और दे ऑल ऑफ देम कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो जनरली वी यूज रजिस्टर्स टू स्टोर डेटा। जैसे आपके पास नेटवर्क है, इन अ नेटवर्क सम डेटा इज ट्रैवलिंग and you want to capture some bits so that you can perform various operations on them, or maybe you want to find some kind of patterns. For those purpose, again, we are going to use registers. I'll show you some examples, some applications of registers, then you will be able to understand. And what are the counter? Counter is also a kind of a register, but these counters are the registers which are capable of counting. Jahan par hum log kuch counting kar sakte hain. Counters bhi ek tarike se registers hi hain. So that is why after ending the concept of flip flop and before starting counter, this register acts as a bridge between both of these two. जो registers है वो counters को start करने से पहले और flip flop को finish करने से पहले एक bridge है, ताकि आप you know समझ पाए कि registers क्या होते हैं। I mean again I'm repeating. So counters को start करने से पहले और flip flops को finish करने के बाद हम लोग registers को study करते हैं। So it gives a connection obviously. Okay. And we know that a flip-flop can store one bit of information. We have seen various kind of flip-flops. We have seen SR flip-flop, we have seen JK flip-flop, we have seen D flip-flop, we have seen T flip-flop, right? So these flip-flops store various kinds of, these flip-flops store one bit of information. अब देखो, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर, अगर फ्लिप फ्लॉप
सिर्फ 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो हमने ये अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाए सर? हमने ऐसा क्यों किया सर कि हमने पहले तो सर SR बना दिया सर, फिर SR से हमने JK फ्लिप फ्लॉप को बनाया सर, JK से फिर हमने D फ्लिप फ्लॉप को बनाया सर, D से T फ्लिप फ्लॉप को बनाया सर, पर हमने इसको बनाया क्यों? Why वी हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स? हमने इसको करा क्यों? देखो जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। जब भी हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज कम्बाइंड विद अ लैच। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो सभी इंफॉर्मेशन इस लैच के अंदर ही स्टोर होगी, एंड दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर जस्ट दिस कॉम्बिनेशन सर्किट विच दैट वी हैव यूज्ड इन फ्रंट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप्स। दीज आर यूज्ड सो दैट वी कैन कंट्रोल द डेटा विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लैच। यानी कि इस लैच के अंदर क्या डेटा प्रेजेंट है, तो उस डेटा को हम लोग कंट्रोल कर सके, उस डेटा को मैनिपुलेट कर सके, उस डेटा को चेंज कर सके, इसी वजह से हमने लैच के सामने कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट लगाया। और बिकॉज इन सभी कॉम्बिनेशन सर्किट का जो बिहेवियर था वो अलग था, राइट? अलग अलग बिहेवियर था, अलग अलग तरीके से उन्होंने लैच की वैल्यू को मॉडिफाई किया, इसी वजह से हमने उन सभी बिहेवियर को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, लेकिन एक डिलेड आउटपुट आएगा। सो इनपुट और आउटपुट के अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी डिले, और जो भी आउटपुट बिट है आप उसको स्टोर करेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप, जो इनपुट दोगे, अगर इनपुट 1 दिया तो जो भी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू थी उसको टॉगल कर दो, राइट? तो इसी तरीके से जब हमने इन सभी तरह के जो आपके ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इन सभी का जो बिहेवियर है वो उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ किया गया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, करेक्ट? तो अब जब हम एक से ज़्यादा बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, टू स्टोर मोर देन 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया, ताकि हम एक से ज़्यादा बिट्स को स्टोर कर सके। और जब हमने उनको एक साथ कनेक्ट किया तो उसको हमने क्या बोला? रजिस्टर्स, ठीक है? अब जो रजिस्टर्स हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है रजिस्टर का, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे इस रजिस्टर में हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, तो ये भी एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एक डी फ्लिप फ्लॉप है, और ये भी एक डी फ्लिप फ्लॉप है। अब इन सबको एक साथ कैसे कनेक्ट किया? हमने सबको एक साथ एक क्लॉक पल्स से कनेक्ट किया। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक क्लॉक पल्स देंगे, बिकॉज आप चेक कर सकते हो कि जो सभी हैं ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो जैसे ही एक नेगेटिव एज आएगी, ऑल ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स विल स्टार्ट वर्किंग पैरेलली। तो सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो यहाँ पर ये पैरेलली काम करने लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर जो भी इनपुट आ रहा है इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, वो सभी इनपुट पैरेलली आ रहा है, पैरेलली, राइट? पैरेलली ऑल द इनपुट इज कमिंग पैरेलली। तो इनपुट ए साथ साथ में इनपुट बी, साथ साथ में इनपुट सी, साथ साथ में इनपुट डी, तो सभी जो इनपुट आ रहे हैं यहाँ पर वो पैरेलली आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल इनपुट, और कैन से पैरेलल इन, ओके? तो अब यहां पर चेक कर सकते हो हमने कौन से फ्लिप फ्लॉप को यूज किया, डी फ्लिप फ्लॉप को, और कितने डी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ यूज किया, 4। अगर हमने 4 डी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ यूज किया, दैट मींस इट इज अ 4 बिट बफर, और कैन से 4 इट इज गोइंग टू स्टोर 4 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। हम 4 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन को यहां पर स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बफर रजिस्टर। अब यहां पर कितने फ्लिप फ्लॉप है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इट्स गेट डिसाइडेड हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू स्टोर। इफ यू हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स, दैट मीन्स 4 बिट्स। इफ यू हैव 5 फ्लिप फ्लॉप्स, दैट मीन्स 5 बिट्स। इफ यू हैव 8 फ्लिप फ्लॉप्स, दैट मीन 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू स्टोर। अब जनरली क्या होता है कि इन रजिस्टर्स को हमने अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए डिजाइन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ए शिफ्ट रजिस्टर, करेक्ट? अब शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी तरफ पे शिफ्ट करना है। जैसे अगर आपको याद हो तो आपके पास सी प्रोग्रामिंग में यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट, यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शिफ्ट। तो हम लेफ्ट शिफ्ट और जो राइट शिफ्ट, किसी डेटा इंटीजर वेरिएबल की वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट रजिस्टर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स गिवन है। जो फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर है उसको हम बोलते हैं सीरियल शिफ्ट एंड देन आउट, यानी कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट अस अज्यूम वी हैव सम इंफॉर्मेशन हियर विच इज 1011, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट। नाउ इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट 1 मोर बिट विच इज 0, तो क्या होगा कि सभी बिट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी
वी आर गोइंग टू शिफ्ट ईच ऑफ दीज बिट्स इन वन प्लेस अहेड. सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, जीरो. यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, वन. और यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट जीरो आएगा, तो जीरो वन जीरो वन. तो सभी बिट्स जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. इस केस में ये होगा कि जो आपकी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि जो सबसे उस तरफ पे जो बिग बिट है आपके पास, और अगर हम जनरली रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट को, राइट. सो लेट अस अज्यूम कि हम लोग इस तरह का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लॉस्ट हो जाएगी और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इन द सेम वे अगर इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यह सीरियल शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लॉस्ट होगी और जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आएगी. फिर उसके बाद आपके पास पैरेलल शिफ्ट इन, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम पैरेलली ऊपर से डालेंगे. दिस इज पैरेलल शिफ्ट आउट, यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन पैरेलली जाएगी. दिस इज रोटेट राइट. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रोटेट राइट में वट एवर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड हियर, इफ आई एम गोइंग टू डू अ राइट शिफ्ट, तो जो ये वाली बिट है ये रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगी एंड ऑल ऑफ दीज बिट्स विल बी शिफ्टेड वन लोकेशन अहेड. तो होगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रोटेट हो सकती है इस पूरे रजिस्टर के अंदर. सो अगेन दिस इज रोटेट लेफ्ट. अब देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इफ़ यू लुक एट दिस वन, तो यहाँ पर जो आपकी बिट है, जैसे अगर ये आपकी एल एस बी है और ये आपकी एम एस बी है, राइट. सो इन योर एल एस बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज लॉस्ट, लेकिन यहाँ पर आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लॉस्ट नहीं हो रही, बट रेदर दिस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज बिकमिंग योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से यहाँ पर पैरेलली इनपुट हो रही है. सो रीड द डेफिनेशन, द बाइनरी इन्फॉर्मेशन और डेटा इन अ रजिस्टर कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर विद इन द रजिस्टर और इन टू और आउट ऑफ द रजिस्टर अपॉन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स. दिस टाइप ऑफ बिट मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ इसेंशियल फॉर सर्टेन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर्स. दिस गिव्स राइज टू अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड एज शिफ्ट रजिस्टर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग द स्टोरेज ट्रांसफर ऑफ डेटा इन अ डिजिटल सिस्टम. आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट अगेन इफ यू डू नॉट अंडरस्टूड इट डोंट वरी, मैं इसको अभी कवर करूंगा, आई कवर इट इन सम टाइम, सो डोंट वरी इवन इफ कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, वी हैव फोर काइंड्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. फर्स्ट इज सीरियल इन शिफ्ट रजिस्टर्स विच इज सीरियल इन सीरियल आउट. सेकेंड इज सीरियल इन पैरेलल आउट. थर्ड पैरेलल इन सीरियल आउट एंड द फोर्थ वन इज पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट वन इज सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि जो भी डेटा है वो आपके पास सीरियली इनपुट जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि हम डेटा को इस डायरेक्शन से इनपुट कर रहे हैं. सो इफ सम इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, लेट अस अज्यूम दैट हियर अ बिट बिट वन इज स्टोर्ड हियर, अ बिट जीरो इज स्टोर्ड हियर, अ बिट वन इज स्टोर्ड हियर, ऑल्सो अ बिट वन इज स्टोर्ड. ओके, नाउ लेट अस अज्यूम आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन मोर डेटा, दैट इज वन. सो अगर इस वन डेटा को आप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन है वो सीरियली मूव करेगी. सो दिस वन विल कम हियर, राइट. ये जो वन है वो आगे मूव हो जाएगा. दिस जीरो विल कम हियर, दिस वन विल कम हियर एंड दिस वन विल टेक इट्स पोजिशन. यानी कि जो डेटा है वो एक डायरेक्शन में मूव होगा, यानी कि जो डेटा है वो सीरियली ही आएगा और सीरियली ही बाहर जाएगा, यानी कि एक बिट एट ए टाइम आएगी और एक बिट एट ए टाइम बाहर जाएगी. सो दिस इज योर सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. तो जो शिफ्ट रजिस्टर आपके पास, ये कौन सा है आपके पास, सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि डेटा जो है वो सीरियली आएगा और सीरियली ही बाहर जाएगा. नाउ दिस इज हाउ यू कैन सी कि जो आपका डेटा है, सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज शोइंग इनिशियली इन ऑल ऑफ दिस रजिस्टर्स वी आर स्टोरिंग अ वैल्यू जीरो. सभी के अंदर इनिशियली जो है वैल्यू जीरो स्टोर्ड है. सो लेट अस अज्यूम आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ वैल्यू वन, तो क्या होगा, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ये यहाँ पर आएगा. सो यानी कि ये जो जीरो था क्यू जीरो में वो कहाँ जाएगा, क्यू वन के अंदर, राइट. तो ये जो जीरो है वो यहाँ पर आ जाएगा. अब ये जो जीरो था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो जीरो था वो यहाँ पर आ जाएगा और इस लोकेशन पर आपका जो नेक्स्ट डेटा है वो वन इंसर्ट हो जाएगा, राइट. सो दिस विल हैपन ऑन द फर्स्ट क्लॉक पल्स. अगर आप चेक करेंगे ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स आर योर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स,
ये सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स है आपके पास, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जैसे अब इन दिस केस, सो इफ द डेटा इज नाउ करंटली प्रेजेंट एट दिस, दिस इज द डेटा दैट इज प्रेजेंट हियर। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट वन मोर डेटा, सो लेट अस अज्यूम आई वांट टू इंसर्ट वन, सो क्या होगा, दिस वन विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इन दिस लोकेशन दिस न्यू वन विल कम, this 0 will move from here to here, this 0 will move from here to here, and again you can see the data present is 0 1 1, to aapka jo data present hai wo hai 0 1 1, okay, and this bit again this will be lost, to jo bit hai wo yahan par lost ho jayegi, again if I insert one more bit to kya hoga, to yahan par aayega 1, yahan par aayega 1, yahan par aayega 1, aur yahan par aayega 0, so yani ki 0 1 1 1 will be the data, so kuch is tarike se jo data hai एवरी क्लॉक पल्स में, जब भी आपके पास एक नेगेटिव एज आएगी क्लॉक के अंदर, इन एवरी नेगेटिव एज क्लॉक पल्स दिस डेटा मूव इन दिस डायरेक्शन, जो डेटा है वो किस इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लॉक पल्स एंड दिस इज द नेगेटिव एज इन द क्लॉक पल्स, करेक्ट, एंड द डेटा दैट विल बी शिफ्टेड एंड ट्रांसफर्ड इज रिप्रेजेंटेड हियर, बट अगेन लीव इट एज ऑफ नाउ, तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि इनिशियली वी हैव द डेटा 00, देन हियर वी हैव द डेटा 001 एंड सो ऑन, बट यू कैन लीव इट एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। देखो आपके एग्जाम के लिए यू डू नॉट हैव टू स्टडी शिफ्ट रजिस्टर्स इन लॉट ऑफ डेप्थ, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी काउंटर्स, एंड काउंटर्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, बस आपको पता होना चाहिए वट इज मीन बाय अ रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ओनली दिस थ्योरी यू शुड रिमेंबर, देर इज नो न्यूमेरिकल व्हाट्सोएवर रिगार्डिंग रजिस्टर्स, कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, इफ देर इज एनी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन, हम लोग सभी चीज़ों को काफ़ी इनडेप्थ स्टडी करेंगे, सो राइट नाउ डोंट वरी अबाउट दिस, तो जितना रिक्वायरमेंट है, देखो दो चीज़ें हैं, देर आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली ऐसा होता है कि If you are studying in your college level and you are preparing for any competitive exam, right? तो आपको basically इतना नहीं पता कि आपको कितना पढ़ना है, how much you have to study. For example, let us assume you are preparing for GATE and without taking coaching, you can see the syllabus given by the GATE committee, but again you are not sure in that syllabus how much in depth I have to go, right? So coaching basically helps you to tell how much you have to study. देखो coaching जो है, this is something very important. Very important for every one of you. Coaching is not a guarantee of success. Coaching कभी भी success की guarantee नहीं है. Coaching is not a guarantee of getting good rank. Coaching helps you to achieve a good rank. Coaching is just like a supplementary. जैसे कि whatever I'm teaching you in half an hour, जो भी मैं आपको half an hour के एक video के अंदर पढ़ाता हूँ, you can do the same by yourself, but doing it will take you approximately 4 to 5 hours. On an average. So if I am completing a subject in 40 hours in videos, obviously you can study the same subject in the same depth, but in that case it is going to take you approximately 150 to 160 hours. Aapko same cheez study karne mein 150 se lekar 160 ghante lag jayenge. So basically coaching doesn't make you achieve a good rank. Coaching helps you to achieve a good rank. After all, at the end you have to do the hard work. जैसे राइट फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रिपेरिंग फॉर गेट और प्रिपेरिंग फॉर यूजीसी एनी ऑफ द एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर गेट, सो रफली जस्ट टू कवर गेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस, इट टेक्स यू अप्रॉक्सिमेटली 600 to 700 hours. 600 hours इन द क्लासरूम कोचिंग इज स्टैंडर्ड, लगभग आपको 600 घंटे लगते हैं क्लासरूम कोचिंग में गेट कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू अप्रॉक्सिमेटली द सेम, अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है ऑनलाइन वीडियो से करेंगे, इट विल टेक यू अप्रॉक्सिमेटली 400 आवर्स ऑफ वीडियोस टू कवर द एंटायर सिलेबस. ओके, व्हाटएवर आई एम कवरिंग इन द वीडियो यू कैन ऑल्सो डू द सेम, राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है, इफ आई एम कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट इन 400 आवर्स, इट विल टेक यू द सेम कॉन्सेप्ट, इफ इट विल टेक यू टू लर्न द सेम कॉन्सेप्ट बाई योर सेल्फ विदाउट एनी टीचर अप्रॉक्सिमेटली 1600 आवर्स, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इफ यू डिवाइडेड बाई 8 तो आप चेक करोगे, अगर आप हर दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, इट विल टेक यू 200 to 250 days जस्ट टू फिनिश द सिलेबस. वो सिर्फ सिलेबस फिनिश करने के लिए है, उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज, यू हैव टू ऑल्सो टू हैव टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, राइट. तो कोचिंग जो है वो हमेशा हेल्प आउट करती है.
ठीक है. सो जो भी मैं बता रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू, कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको फॉलो करो. उससे आपको कंप्लीट पिक्चर लगेगी, कंप्लीट आइडिया लगेगा कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इतना नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इतना सा पढ़ना है. इतना पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इतना पढ़ने से आप बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज वे में जाएंगे. यू नो कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे आउट नहीं जाना है, राइट. अगर ज़्यादा भी जाना तो थोड़ा सा आउट जा सकते हो, मे बी समटाइम्स, करेक्ट. तो इससे आउट नहीं जाना है, इसी में आपका रैंक आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है. तो हम सब कुछ कवर करेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, बस मुझे फॉलो करते रहो. अब देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर है, दिस इज अ शिफ्ट राइट रजिस्टर, यानी कि जो डेटा है वो किस इस डायरेक्शन से मूव होगा. इट इज सिमिलर टू द सेम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर. तो डेटा है जो इस डायरेक्शन से मूव होगा और इस डायरेक्शन से आउट होगा, ठीक है. बस ओनली डिफरेंस इज कि हमने फ्लिप फ्लॉप्स की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है. सो लीव इट एज ऑफ नाउ, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन, दिस थ्योरी. सो बट आई थिंक यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स. आप इस थ्योरी का जो नोट है अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं, बट यू कैन लीव इट एज ऑफ नाउ. देन वी हैव सीरियल इन पैरेलल आउट. तो डिफरेंस क्या था? देखो सीरियल इन सीरियल आउट में और सीरियल इन पैरेलल आउट में डिफरेंस क्या है? देखो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू एंटर दैट विल बी एंटर्ड सीरियली. जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीरियली एंटर होगी. द इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो मूव सीरियली, लेकिन बट यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, यू आर जस्ट पुटिंग अ टैप और उस इंफॉर्मेशन को आप निकाल रहे हैं सो दैट यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें. तो क्या किया हमने, मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमने क्या किया, जो डेटा है वो सीरियली इंसर्ट होगा, लेकिन जब उस डेटा को आपको आउट लेना है या उसको आउटपुट लेना है तो क्या होगा, उसको हम लोग इस तरीके से कुछ पैरेलली आउट लेंगे. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. सो दिस इज योर सीरियल इन पैरेलल आउट, एंड दिस इज पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, यानी कि जो डेटा है उसको पैरेलली इन लेंगे. तो यहाँ से आपके पास देखिए सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसके अंदर जो डेटा है वो पैरेलली इन जा रहा है, बट टू गेट द डेटा आउट फ्रॉम दिस फ्लिप फ्लॉप ओनली यू विल गेट द डेटा आउट. तो जो आपका डेटा है वो वहाँ से पैरेलल आउट है. बट यू कैन सी वन मोर थिंग, ईच ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप्स इज डिपेंडेंट ऑन वन अदर. जैसे D0 is dependent on D1, D1 is dependent on D2, D2 is dependent on this D3, and so on. As the same time, you are also getting the information parallelly, and they are also dependent on each other. तो जो data है वो यहाँ पर parallel आएगा और serially बाहर जाएगा. Okay? Fine. So in the same way, here we have different kinds of converters also, serial to parallel converter and parallel to serial converter. So basically when you have a serial in parallel out, तो किस लिए यूज होता है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल सीरियली आ रहा है और आप उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं. और जो आपके पास पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है, यानी कि अगर डेटा आपके पास पैरेलली आ रहा है और आपको उसको सीरियली एक वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल या किसी भी मीडियम के थ्रू आपको ट्रांसमिट करना है तो आप पैरेलल इन और सीरियल आउट वहां से कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस पैरेलल इन सीरियल आउट एज वेल एज सीरियल इन पैरेलल आउट. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पैरेलल डेटा इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट. सो इन ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स यू आर गोइंग टू इंसर्ट डेटा पैरेलली एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द डेटा पैरेलली आउट. तो सभी के अंदर हम डेटा को पैरेलल इनपुट लेंगे और साथ साथ में डेटा को हम लोग पैरेलल आउटपुट देंगे. ओके, सो आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया अबाउट रजिस्टर्स. आपको थोड़ा सा रजिस्टर्स के बारे में आइडिया लगा होगा. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज दिस शिफ्ट रजिस्टर. सो सम ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर्स बिकॉज द वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट दोज शिफ्ट रजिस्टर्स आर हैविंग वी इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ काउंटिंग पैटर्न. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. सो वट यू कैन डू हियर इज यू कैन कनेक्ट अ फ्यू फ्लिप फ्लॉप्स. जैसे दीज आर 3 फ्लिप फ्लॉप्स. Okay, and maybe you can do something like this. I don't know. Maybe you are using a D flip flop, right? And the output of this flip flop, you can say the input in this flip flop is the output of this flip flop. The input in this flip flop is the output of this flip flop, and so on. And then you can, you can synchronize them with the help of this clock. बट इसे क्या होगा कि इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, सो जस्ट फॉर सिंपलिसिटी पर्पस लेट अस अज्यूम यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 0,
जीरो जीरो या फिर यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 100. सो अगर वैल्यू 100 स्टोर है तो उस केस में क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई क्लॉक होगा, एक क्लॉक आने के बाद जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा. सो व्हेन दिस डेटा विल बी चेंज, अगेन यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ 3-bit बाइनरी इनपुट. जैसे 000 अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा डेसिमल में 0. अगर आपके पास 100 है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट इज 4. 010 अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 2 एंड सो ऑन. सो बेसिकली हम इन सभी रजिस्टर्स के अंदर कुछ बिट्स को स्टोर करेंगे और ये जो सभी बिट्स हैं हम इन सबको एक रजिस्टर का जो आउटपुट है दूसरे रजिस्टर यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर दे सकते हैं, इसका आउटपुट तीसरे के अंदर दे सकते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न बनेंगे जिससे हम लोग काउंटिंग कर पाएंगे. ओके, सो आई विल टेक काउंटर्स इन अ वेरी स्लो मैनर बिकॉज रजिस्टर्स जो था उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देना था मुझे, लेकिन काउंटर्स को मैं इन डिटेल कंप्लीटली स्टडी कराऊंगा. कंप्लीटली मैं काउंटर्स को इन डिटेल कवर करूंगा. ओके, आई विल कवर काउंटर्स इन कंप्लीट इन डिटेल्स. ओके, सो अगेन दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ योर शिफ्ट रजिस्टर्स कि अगर आपके पास कुछ सीक्वेंस है जैसे मे बी यू आर हैविंग दिस इज सम कंप्यूटर, इट इज अ सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर ऑफ द मैसेज. ओके, सो इट इज सेंडिंग सम सिग्नल टू द रिसीवर. नाउ मे बी आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सर्किट कि अगर इस सिग्नल में कुछ ऐसा पैटर्न आए एंड आई वॉन्ट दैट दिस पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट, देन आई वॉन्ट टू एक्टिवेट अ सर्किट. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज ऑन द रिसीवर एंड आई कैन यूज अ रजिस्टर एंड इन दिस रजिस्टर वट एवर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग सीरियली हियर आई कैन स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन दिस रजिस्टर एंड वी कैन परफॉर्म वी कैन इंप्लीमेंट अ सीक्वेंस डिटेक्टर लाइक दिस कि अगर इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस इन्फॉर्मेशन में कुछ सीक्वेंस है, प्लीज़ ट्राई टू डिटेक्ट दैट सीक्वेंस और उस सीक्वेंस के बेसिस पे आई कैन एक्टिवेट अ सर्किट. तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकता हूँ. सो यू कैन क्लियरली सी वट वी आर ट्राइंग टू डू. यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा है जो सीरियल इनपुट हो रहा है. सो डेटा इज 0110. बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड बेस्ड इफ वी हैव सम पैटर्न जो हमें आइडेंटिफाई करना है, सो द पैटर्न दैट आई वांट टू फाइंड आउट इज 1010. सो आई वांट टू से कि यहाँ पर जो पैटर्न जो आपके पास यहाँ पर पैटर्न आ रहा है इस डेटा इनपुट में, अगर वो पैटर्न इस पैटर्न के एक बार मैच होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वांट टू एक्टिवेट अ सर्किट. सो उस वो जो सर्किट है उसको मिलेगा सिग्नल कि भाई सिग्नल आ चुका है एंड दैट दिस सर्किट कैन परफॉर्म सम वर्क. तो इस तरह का वर्क हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स. सो यू कैन क्लियरली सी रजिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. सो रजिस्टर्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज डिवाइसेस. ठीक है, सो लेट अस लुक एट व्हाट आर काउंटर्स. तो हम लोग काउंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं. सो अगेन दिस इज द मेन टॉपिक. तो रजिस्टर था, देयर वाज लाइक अ ब्रिज क्या है और